गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज आपकी जो एजुकेशन की तरफ से, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से वर्कशीट आई है, वो आपकी वर्कशीट नंबर 2 है, सोशल साइंस की है, क्लास 8 के लिए। और डेट है 18 सितंबर 2020। नेम ऑफ़ द स्टूडेंट आपको यहाँ लिखना है, नेम ऑफ़ द क्लास टीचर, क्लास टीचर का नेम लिखना है। आज जो आपकी जो वर्कशीट है वो नेचुरल रिसोर्सेज पर है। तो जो वर्कशीट 1 थी, हमने उसमें रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। रिसोर्सेज क्या था? एनीथिंग डेट हैज सम यूटिलिटी और यूजिबिलिटी इज कॉल्ड ए रिसोर्स। रिसोर्स मतलब किसी चीज़ को हम जब यूज़ करते हैं, कोई चीज़ हमारे काम में आती है, यूज़ में आती है, तो उसको क्या कहते हैं? रिसोर्स। दिस यूजिबिलिटी मे और मे नॉट हैव इकोनॉमिक वैल्यू, लाइक ए ब्यूटिफुल लैंडस्केप does not have any economic value, but on the other hand metal or fossil fuels have economic value। इसका मतलब क्या है कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नेचर से हमें मिली हैं, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब जिनके इकोनॉमिक मतलब पैसे से रिलेटेड जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लाइक फॉसिल्स, मेटल्स, ये कितने महंगे आते हैं। अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन अराइज और ऑल दी रिसोर्सेज डैट वी हैव टैबलेटेड इन प्रीवियस वर्कशीट कम फ्रॉम द सेम सोर्स। क्या ये सब रिसोर्सेज जो हैं क्या एक ही जगह से आते हैं, सेम सोर्स से आते हैं? तो ओ दे कम फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, या फिर अलग अलग सोर्स से आते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा? यहाँ पर लिस्ट दी हुई है आपको, सॉइल, टॉय, वहीकल, फॉरेस्ट, ब्रिज, रेल, मिनरल, ये सब लिस्ट दी हुई है। और दो कॉलम बनाए हुए हैं, ऑप्टेन फ्रॉम नेचर, ये ऑप्टेन फ्रॉम नेचर, और सेकंड मेड बाय ह्यूमन। हमें नेचर से क्या क्या मिलता है? आप देखिए, हमें सॉइल नेचर से मिलता है, टॉय ह्यूमन बीइंग बनाता है, व्हीकल भी ह्यूमन बनाते हैं, फॉरेस्ट हमें नेचर से मिलता है, ब्रिज भी मेड बाय ह्यूमन, रेल मेड बाय ह्यूमन, मिनरल नेचर से मिलते हैं, रिवर नेचर से, माउंटेन नेचर से, रोड ह्यूमन, बिल्डिंग ह्यूमन बीइंग, कोल नेचर से, फर्नीचर मेड बाय ह्यूमन, पेट्रोलियम नेचर से, नेचुरल गैसेस नेचर से, सनलाइट विंड नेचर से। ये जो मैंने सर्कल किए हैं ये सब इस कॉलम में आएंगे, ऑप्टेन फ्रॉम नेचर, और जो रह गए हैं वो मेड बाय